केवल अद्वैतवाद केवल ब्रह्म ही है या केवल भगवान ही है, नहीं, यहाँ जो शक्ति के परिणाम बनना पड़ेगा। यहाँ विशेष चीज एक समझने वाली ये चीज है कि जो वस्तु है वो जो वस्तु जो परिणत नहीं हो रही है उसकी शक्ति से ये सारा चीज सृजन हो रहा है। यहाँ भगवान ही ये जगत बन गए ऐसा नहीं है, भगवान जगत बन गए तो फिर मायावाद हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जो जो परिणामवाद को स्वीकार करना पड़ेगा, चार जो वाद है ना, विवर्तवाद, परछिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद और परिणामवाद। जो ये थोड़ा इसको भी जानना जरूरी है, जो विवर्तवाद है ये वैष्णव का भी है मायावादियों का भी है। वैष्णव का जो विवर्तवाद है ये जो देह में आत्मबुद्धि, शरीर को हम क्या मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, ये जो है विवर्तवाद है। लेकिन जो मायावादी क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि शरीर जब नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ही अपने आप को जीव मान रहा है और विद्याग्रस्त होकर अपने आप को जीव मान रहा, और जब जो है शरीर नष्ट हो जाएगा एक ब्रह्म ही रह जाएगा, ये मानते हैं। लेकिन वैष्णव ये मानते हैं क्या है, वैष्णव ये मानते हैं कि जो विवर्त हो रहा है ये आत्मा, हम आत्मा है अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये वैष्णव का है। जो प्रतिबिंबवाद है उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो जैसे कि अनेक अनेक बाल्टी है उसमें आपने पानी भर दिया, सूरज का जो प्रतिफलन उसमें हो रहा है, बाल्टी के अंदर भास रहा है सूरज। अब जो जैसे ये वैष्णव के लिए बता रहे हैं कि ये ईश्वर तत्व को दिखाने के लिए है, भगवत तत्व दिखाने के लिए जो ऐसा भास रहा है, क्योंकि ईश्वर चिरोदशाई विष्णु अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है, इस कारण वो दिखा रहे हैं। मायावादी मानते हैं कि बाल्टी को गिरा दो एक ही सूरज बच जाएगा, इस तरह से जीव जो है ब्रह्म अपने आप को जीव माना है, शरीर नष्ट होते हैं ब्रह्म ही रह जाएगा। एक तीसरा और उदाहरण है जो परछिन्नवाद है, ये जो महाकाश और घटाकाश, जो घड़ा का निर्माण करते हैं इसमें जो आकाश होता है उसको घटाकाश, घटाकाश महाकाश से जुड़ा हुआ है। जैसे आप घड़ा को नष्ट कर देंगे महाकाश में मिल जाएगा, इस तरह से जीव ब्रह्म अपने आप को जीव मार रहा है, घड़ा जैसे शरीर नष्ट हो गया वो ब्रह्म में मिल जाएगा। लेकिन ये चारों जो वाद है ये मायावादी का वाद है, ये पूरा मायावाद ये चार पट्टी का हुआ है। अब जो है चौथा जो है परिणामवाद, तीन जो ये मायावादियों का वाद है, परिणामवाद ये शक्ति का परिणाम है, ये दिखा रहे हैं कि जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है, ये दिखा रहे हैं कि शक्ति जो है शक्ति का परिणाम जगत है। इस कारण जो ये बोल रहे हैं शंकराचार्य बोल रहे हैं व्यासदेव की बुद्धि यहां मारी गई थी, बुद्धि भ्रमित हो गई, जो जो जगत जो है भगवान की शक्ति का परिणाम नहीं, क्योंकि उस परिणामवाद वो मान लेंगे अगर तो इनका मत खंडन हो जाता है, इसलिए ऐसा बोला। तो जो ये जगत जो है भगवान की शक्ति का परिणाम है, भगवान ही जगत रूप में अव्यक्त रूप से उपस्थित है, जैसे बोला ना अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्ता निधनान्य व तत्र का परदेवन। जो अव्यक्त है, पहले सब कुछ अव्यक्त है, जब प्रलय काल होती है तो सब कुछ सूक्ष्म रूप में जिस तरह से जिसमें से जो निकला है उसमें वो प्रवेश हो जाता है। जो पंचमात्म जो तत्व है ये किसमें, जो महातत्व में प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे ही सब जो क्षीरोदशाई विष्णु है इसके अंदर प्रवेश हो जाता है, वो कारणोदशाई विष्णु में ऐसे चले जाते हैं। जब सृष्टि होता है तो फिर जैसे प्रवेश किए हैं वैसे ही ये यहाँ से प्रकाशित होते हैं सब। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ये जगत के रूप में विद्यमान हूँ, इसलिए अगर बोल दिया जाए कि सर्वम खलिलम वरम कोई दोष नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवान की शक्ति का परिणाम है, परिणाम बाद मानना पड़ेगा, साक्षात भगवान नहीं है शक्ति के परिणाम है, इस कारण जो जो बोल देते हैं सर्वम खलिलम वरम, ये जो वस्तु भगवान है भगवान से अलग नहीं है, भगवान के शक्ति से ये वस्तु प्रकट हुई है, इस कारण इसको बोला। और जो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में मैं ही हूं, आगे भी मैं ही था, और जो अभी वर्तमान में मैं ही उपस्थित हूं, अंत में मैं ही रहूंगा, अंत में मैं ही रहूंगा, कैसे ये बोल रहे हैं, जब सृष्टि की प्रलय हो जाता है तो एकदम भगवान ही एक रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझा रहा हूं कैसे, ये भागवत में दिया हुआ है, जो मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जो अंतिम में दिया हुआ, मार्कंडेय ऋषि क्या थे, बहुत ये इन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या की थी, बहुत तपस्या किया, करोड़ों वर्ष तपस्या किया, उसके बाद जो है तपस्या से
इंद्र को चिढ़ गए कि ऐसा पृथ्वी लोक में कोई ऐसा तपस्या कर सकता है, इसलिए उन्होंने अप्सरा इत्यादि को, कामदेव को भेजा कि उसकी तप को नष्ट करो। जब कोई तपस्या करता है देवता इत्यादि को चिंता लग जाती है, इस कारण वो भेजा। लेकिन जो इतने प्रभावशाली थे मार्कंडेय ऋषि कि उसके सामने ये सब कुछ नहीं कर पाए, इतने तेजस्वी थे। उसके बाद नर और नारायण दोनों उनके सामने प्रकट होते हैं। प्रकट होके बोलते हैं कि मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय जी आप कुछ वर मांगिए हमसे। वो बोलते हैं कोई वर नहीं, आपके दर्शन हो गया, ये हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, अब हमें कोई वर न चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बोलते हैं फिर भी भगवान कहते हैं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हमें अपना माया दिखा दीजिए। कौन सी माया, जब प्रलय काल आता है तो किस तरह से समस्त जो जगत जल में जलमग्न हो जाता है, आप भी किस तरह से विराजते हैं। एक आप ही जो अंत में सृष्टि का जब प्रलय हो जाती है, वो आप भी कैसे मौजूद रहते हैं, इस चीज को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। मार्कंडेय ऋषि का जो आश्रम था हिमालय के जो उत्तर दिशा में पुष्प भद्रा नदी उसके तट पर था, वहाँ वो अपना नित्य जो क्रिया है कार्य इत्यादि करते रहते थे। एक समय देख रहे हैं कुछ समय कि पुष्प भद्रा नदी के सामने बैठे हुए हैं, अचानक देख रहे हैं क्या, अचानक देख रहे हैं कि और हवा इतनी जो तूफान जोर जोर से आ रहा है, साई साई करके कान को फाड़ने वाला तूफान ऐसा आ गया। उसके बाद देख रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो क्या हो रहा है, इस समुद्र अपने मर्यादाओं को तोड़ रहा है, समस्त जो जो स्थल है, जो पृथ्वी है, इसको डुबा रहा है। फिर देख रहे हैं काले काले मेघ आकाश में जो है छा गए, और उससे जो मूसलधार, जो हाथी के सूंड के समान, हाथी का जो सूंड होता है, उससे वृष्टि हो रही है, और ऐसे ऐसे वज्रपात इत्यादि हो रहे हैं जो, और देख रहे हैं कि थोड़े समय में समुद्र की जो बड़े बड़े लहरियां हैं, ये जो क्या किया, उसने आश्रम को डुबा दिया, और चारों तरफ से पृथ्वी जलमग्न हुई। अब देख रहे हैं कि क्या हुआ, अब तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ नहीं है। अब जो ऐसे वो भटकने लगे, अब क्या करें, बहुत ही दुखी हुए, कुछ भी तो नहीं है। और उसकी आयु थी, उसकी ये आयु थी कि उन्होंने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, अमर थे। इस कारण वो जल के, जो समुद्र के जल के थपेड़ों में इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी जो शक्ति थी इधर उधर भाग रहे हैं। अब करें क्या, कहीं कुछ भी नहीं है। अब जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े तिमिंगल मच्छी इत्यादि आपस में जो लड़ रहे हैं, कभी उसको काटने को दौड़ते हैं, कभी कई बार देख रहे हैं उसको घायल भी कर दिया है। इस तरह से जो भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए, और जो उसकी जितने भी उनकी शक्ति थी सब छीन होती रही, भगवान की कृपा से वो बचे रहे। उसके बाद बहुत समय बाद ऐसे घूमते घूमते देख रहे हैं कि एक ईशान कोण पे एक बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, और सब बरगद के वृक्ष में जो पत्ते ऐसे हैं जो दोने के रूप में बने हुए हैं, दोने जैसे पत्ते हैं, उसमें जो देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, छोटा सा बालक लेटा है, और जो किलकारी मार के हंस रहा है, अंगूठे को जो जो करारी बिंदे मुखार बिंदम जो जो अंगूठे को जो मुख में ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है। अब जो मार्कंडेय को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों करोड़ों वर्षों तो मैं क्या जो भटकता रहा, अभी देख रहा हूँ कि इधर कहाँ से एक जो जल में ही एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, और उसके दोने के ऊपर एक कौन लेटा हुआ है, एक जो ऐसा बालक लेटा हुआ है। उसको बहुत जिज्ञासा हुई, गए उधर। जैसे उधर जा रहे हैं, जैसे वो बच्चा ने सांस लिया तो सांस के अंदर ही मच्छर के बाती उसके अंदर घुस गए, मार्कंडेय ऋषि उसके अंदर चले गए। अंदर गए तो देख रहे हैं कि उधर जितने भी जो पृथ्वी इत्यादि है, उपवन है, पर्वत इत्यादि है, नदी है, उसमें सब जितने मिले थे, जितने देश है, जितने द्वीप है, सब उसमें दर्शन कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि मेरा आश्रम भी इसी के अंदर है, वही हिमालय पर्वत है, वही जो पुष्पभद्रा नदी है, वही जो सब कुछ वही है, वही देख रहे हैं मेरा आश्रम यहाँ है। और तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर जो है भगवान ने बहुत समय तक वहीं घूमते रहे। फिर जो देख रहे हैं क्या, वो श्वास छोड़ा, जैसे श्वास छोड़ा बार फिर पानी में गिर पड़े। फिर अपार अपार जर्राशी,
जल राशि अपार दिखाई दे रही है, था नहीं, अब तो बहुत व्याकुल हो गए। फिर जो है इधर उधर लहरे में फिर थपेड़े खाने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते चारों तरफ बहुत ही थक गए। फिर देख रहे हैं कि फिर वही चीज दिखाई दे रहा, वो दृश्य लुप्त हो गया, फिर वही दृश्य दिखाई दे रहा, जो बरगद का वृक्ष है उसमें एक बच्चा लेटा हुआ है। फिर इस कारण उधर फिर गए, फिर जा रहे हैं तब तक अंतर ध्यान हो गया, ये चीज अंतर ध्यान हो, अब तो बहुत ही शोकाकुल हुए और जो ध्यान लगाना शुरू किया, जैसे ध्यान लगाया देख रहा कि मैं अपना आश्रम में बैठा हूँ आश्रम में बैठा हूँ, वही पुष्प नदी है, वही सब लोग हैं हमारे साथ हैं। इस तरह से जो जब देखा उन्होंने, तो ये उन्होंने जो बर पाया था कि प्रलय कैसे होती है, उन्होंने देखा देखा कि प्रलय के समय कुछ नहीं है लेकिन भगवान उपस्थित है। इस कारण इस ऐसे ही जो क्या होता है, जब प्रलय जब आती है भगवान, वो भगवान में सब प्रकृति इत्यादि जितने महत्त्व हैं सब भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान ही एक तत्रूप में बने रहते हैं। इसमें दिखाया कि आदि में वही थे, मध्य में कृष्ण तत्रूप में विद्यमान है, अव्यक्ता दिने भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में व्यक्त हो रहे हैं, अव्यक्ता निधना देव तत्र कब, जो है कारण रूप में जो है समस्त वस्तुएं उपस्थित है, जितने भी तत्व से जो 24 तत्व इत्यादि हैं इससे जो सृष्टि संगठित हुई है सब अव्यक्त रूप में तत्व व्याप्त है। जब एकाल आता है फिर व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं तो कारण जो कार्य रूप में दिखाई देते हैं, अभी हमारे सामने कार्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, फिर ये अव्यक्त हो जाएंगे। इस तरह से जो भक्तिमय ठाकुर और जो विश्वनाथ ठाकुर का थोड़ा जो मैं समझाता बता दिया, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा चीज है। वंशा कल्प त्रुभ्य कृपा सिंधु पवन वैष्णव, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्तवृंद, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिन भक्ति वेदांत श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु जी एवं उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भूरी भूरी दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसा कि कल पूज्यपाद महाराज जी ने हमें चतुश्लोकी भागवतम के जो श्लोक हैं उनके अर्थ को बोलने के लिए कहा था, तो चतुश्लोकी भागवतम के विषय में बता रहे हैं कि जब सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था उस समय केवल भगवान ही थे, गर्भदशाई विष्णु उनसे उत्पन्न सॉरी कारण तोषाई विष्णु उनसे उत्पन्न हुए गर्भदशाई विष्णु और उनसे क्षीरोदशाई। गर्भदशाई विष्णु की नाभि कमल से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अकेले हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान की कृपा से ही उनको कुछ सुनाई दिया तप जैसा शब्द और उन्होंने तपस्या शुरू की। हजारों युगों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान से साक्षात्कार होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा, तुमको सृष्टि कार्य करना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो कार्य आप मुझे दे रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल अनविघ हूँ, सृष्टि कार्य क्या होगा मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप चिंता ना करें। तब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम
सरहस्यम तदंगम चा ग्रहाण गदित गदितम मया। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने वाला जो मेरा विज्ञान है, मैं तुमको प्रदान करूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात। कि हे ब्रह्मा जी, मैं तुम पे कृपा करके मेरे जो नाम रूप और गुण लीला जितने प्रकार के भी कार्य हैं, सब विज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। तब ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने प्रारंभ किया। तो पहले श्लोक में जैसे कि बताया, अहमेव वासमेव अग्रे, इसमें ब्रह्मा जी ने, भगवान ने आत्म तत्व को बताया, मतलब अपना तत्व, कि भगवान कौन है, किस तरह से इस ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान ने माया तत्व का निरूपण किया, जो श्लोक है, रिते अर्थम यत प्रतियेत ना प्रतियेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमा। ये श्लोक में कह रहे हैं कि रिते अर्थम जो मूल वस्तु है, यत प्रतियेत जिसकी प्रतीति होती है, अर्थम मीन्स यहाँ पे कहीं टीका में अर्थ का मतलब बाहर भी लिया है और सत्य वस्तु भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मूल वस्तु के अतिरिक्त बाहर में जो प्रतीति होती है और ना प्रतियत चात्मनि, किंतु जो मूल वस्तु में नहीं है, मूल वस्तु से ही जिसकी प्रतीति है लेकिन मूल वस्तु में जो नहीं है, तद विद्यात आत्मनो, उसी को विद मीन्स जानो, आत्मनो माया, मेरी माया जानो। भगवान कह रहे हैं उसी को मेरी माया जानो। अब यहां पे मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव जो भी ब्रह्मांड में, पृथ्वी में दिखाई दे रहा है, सब मुझसे है लेकिन वो मुझ में नहीं है। अब कहेंगे कि नहीं, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मेरे अंदर चले जाते हैं प्रलय के समय, और जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो समस्त जीव मुझसे ही निकलते हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व भगवान गीता में साफ कह रहे हैं कि इसको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसको यदि बुद्धि से समझने जाओगे तो धोखा खा जाओगे। कह रहे हैं कि नाचा मत स्थानी भूतानी पश्चिमे एवं ऐश्वरम भूत भिन्न चा भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। कि हे अर्जुन, जो तुम्हें तो कुछ दिखाई दे रहा है, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव दिखाई दे रहे हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न है, सब में मैं अवस्थित हूं किंतु वो जीव मुझ में नहीं है। तब अर्जुन कह रहे हैं, भगवान प्रभु ऐसे कैसा हो सकता है? तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम इसमें बुद्धि मत दौड़ाओ, ये अचिंत भेदाभेद तत्व है, इसको तुम साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारा जो श्लोक है रिते अर्थम, इसमें साधारण अर्थ ये हुआ कि मूल वस्तु के बाहर जो प्रतीत हो दिखाई देता है और मूल वस्तु में जो नहीं है, उसी को मेरी माया समझो। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चंद्रमा है, और चंद्रमा की अगर हम रोशनी देखेंगे, कहीं कांच के शीशे में पड़े या पानी में पड़े तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, किंतु मूल में चंद्रमा एक ही है, दो नहीं है। दूसरा, यहाँ पे भावार्थ इसका इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक ज्योतिर्मय वस्तु होती है, ज्योतिर्मय वस्तु से जब प्रकाश निकलता है तो उसमें दो चीजें बनती हैं, आभास और अंधकार। सीधा हम सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य जब चमकता है तो उसका जब प्रकाश आता है तो हमें पूरा रोशनी दिखाई देती है। यदि बादल घने छा जाएं आकाश में तब क्या होता है? हमें सूर्य दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। उस समय हमें सूर्य का आभास और एक साइड में कहीं अंधकार दिखाई देता है। तो मूल वस्तु जो ज्योतिर्मय वस्तु थी वो ढक गई किसी कारण से। यहीं पे कह रहे हैं कि जो मूल वस्तु है भगवान, वो कहीं ना कहीं इस माया शक्ति से, और माया शक्ति का कार्य ही है, माया शक्ति की दो वृत्ति हैं, विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति। विद्या वृत्ति के द्वारा जीव भगवान को जान सकता है और अविद्या वृत्ति के द्वारा जीव भगवान को भूलता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भागवत में बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, दसम स्कंद के 85 अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि यत्र एन यतो यस यस्मै यद यद यथा यदा स्यात् इदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी
ब्रज से मथुरा में चले गए और मथुरा में रह रहे हैं वसुदेव महाराज और देवकी मैया के साथ में। तो उनका नियम यह है, वो प्रतिदिन देवकी मैया और वसुदेव महाराज को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, डेली उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम जब वसुदेव महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने उनको प्रणाम किया, तब वसुदेव महाराज उनको अचानक कहने लगे कि हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण, इस संसार के नियंता भगवान है, सभी प्रकार के निमित्त उपादान और नियामक नियंता सब कुछ भगवान है, और वो भगवान कोई और नहीं, हे कृष्ण हे राम तुम दोनों ही हो, तुम दोनों ही इस सृष्टि को नियंत्रित करते हो। इस तरह से वसुदेव महाराज वहां पे भगवान कृष्ण और बलराम जी को कह रहे हैं। जब पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी टीका में कह रहे हैं कि कुछ मतवादीगढ़, चाहे उनको हम लोग मायावादी कह सकते हैं या फिर अन्य संप्रदाय के लोग, वो कहते हैं कि वो लोग मेरी शक्ति को और मेरे अचिंत तत्व को ना समझ पाने के कारण अस्ति और नास्ति कहकर मुझे बोलते हैं, मतलब है या नहीं है। किंतु एक मेरी पराशक्ति है, जो मेरी माया शक्ति है, वही अचिंत शक्ति है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक स्वरूप शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। वही तटस्थ शक्ति जगत में दो प्रकार के रूपों में विभक्त होती है, अणु रूप और छाया रूप। अणु रूप में उसी शक्ति को हम लोग जीव शक्ति कहते हैं, और छाया रूप में उसी शक्ति को हम लोग माया शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से माया शक्ति और जीव शक्ति इस ब्रह्मांड में जीवों पे कार्य करती है। अब भगवान कह रहे हैं मैं अपनी जो मूल शक्ति है उसके बारे में बता रहा हूं, सुनो ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि 28 तत्व हैं इस जीव को बनाने के लिए, 28 तत्व। हम लोग पढ़ते हैं ना, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया 20, मन बुद्धि चैत्य अहंकार 24, आत्मा और परमात्मा 26, दो मुझे पता नहीं है। उसमें बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से 28 तत्व हैं, और 28 तत्व में जो तीन रूपों में उनको डिवाइड किया गया, पुरुष प्रकृति और अर्थ। तो पुरुष और प्रकृति को हम छोड़ देते हैं तो अर्थ बचता है, वो अर्थ से 26 तत्व होते हैं जो हमने आपको बताए। उस अर्थ को भी यदि हम छोड़ देते हैं तो एक विशेष तत्व बचता है, उस विशेष तत्व को कहते हैं माया शक्ति। और उस माया शक्ति भी वस्तु प्राय है, यहाँ पे पहले श्लोक के स्टार्टिंग में बताए थे मूल वस्तु, तो माया भी यहाँ पे मूल वस्तु नहीं है, सिर्फ वस्तु का आभास मात्र है माया। उसके बाद कह रहे हैं कि वस्तु में माया का दो प्रकार का परिचय है, आभास और तम। इसका चित्त परिचय, आभास अणु तटस्थ शक्ति का चित्त परिचय है, क्योंकि जीव क्या है, अणु है, अड़ुनी चिन्मय, जीव चिन्मय है और माया जड़ है। इसका चित्त परिचय है जीव, और हम अचित माया शक्ति क्षमा चाहेंगे, और तम अचित माया शक्ति है, इससे जड़ जगत उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार शक्ति तत्व को जान लेने पर ब्रह्म के पर ब्रह्म स्वरूप के तत्व स्वरूप का नाम ही विज्ञान है। इस प्रकार का जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जो कि मेरी समझ में भी नहीं आया, तो हो सकता है नहीं ब्रह्मा जी की समझ में, यहाँ पे कोई आपको बता दूं, एक बार भागवतम में वर्णन नहीं है इसका, लेकिन जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये चार श्लोक सुनाए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा कहीं मूर्छा सी आ गई थी, यहाँ तक उसमें वर्णन है। तो सोचो, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, उन 18,000 श्लोकों का सार है ये चार श्लोक। तो ये चार श्लोक मेरी समझ में तो नहीं आया इसका अर्थ और वो तत्व सिद्धांत, हो सकता है आप लोगों की आ जाए, अच्छी बात है। यही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु विचार पतिता नाम पावने वैष्णव नाम। किसान लोग।
ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवाय पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिरासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि कल गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि जो चतु श्लोकी भागवत है उसका तीसरे श्लोक की क्या करनी है, मुझे व्याख्या करनी है, तो मैं अपनी अपनी जो है या जैसे मेरी वो होगी, मतलब मैं अपनी योग्यता के अनुसार उसकी व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। तो इसमें बोलते हैं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च अवचेसुना परविष्टानि च अपरविष्टानि तथा तेसुना तेसु हम। इसमें बता रहे हैं कि जैसे हमारे हमारे अंदर जो पंच महाभूत है, आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि, ये क्या है, ये एक स्वरूप में क्या है, हमारे अंदर विद्यमान है, और एक स्वरूप से क्या है, स्वतंत्र रूप से क्या है, ये बाहर भी उसी प्रकार विद्यमान है। जैसे हमारे अंदर जल है और बाहर भी क्या है, बाहर भी जल है, हमारे अंदर भी वायु है बाहर भी क्या है, वायु है। बाहर जो है जो स्थान अग्नि का है वो हमारे पेट के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी अग्नि का स्थान है। तो उसी उसी प्रकार बता रहे हैं कि जो जो भगवान है वो क्या है, वो एक स्वरूप से क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में अवस्थित है, और एक एक स्वरूप से क्या है, वो बाहर भी स्वतंत्र रूप से क्या है, विराजमान है। और इसमें जब जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र रणभूमि में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, तो उस दौरान भगवान ने बोला था अथवा बहुनेतन किम ज्ञातेन तवा अर्जुना विष्टभ्यम अहम इदम कि कृत्सन एकांशेन स्थितो जगत। क्योंकि भगवान ने बोला था कि हे अर्जुन, तुम्हें अधिक और जानने की क्या आवश्यकता है, तुम बस ये जानो कि मैंने ही इस पूरे संपूर्ण जगत को क्या किया हुआ है, अपने एक अंश एक एक वस्तु को क्या किया हुआ है, धारण किया हुआ है। क्योंकि अगर भगवान ने धारण करेंगे तो ये क्या होगा, संसार सुचारू रूप से क्या नहीं संचालन इसका नहीं हो पाएगा। और जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने एक वहां पे एक और सबसे जो अद्भुत दृश्य देखा, वो देखा कि भगवान के अंदर जो पांडव और कौरव है, जो उनकी सेना है, वे सब क्या है, एक मन उनके अंदर क्या हो रही है, उनके अंदर भी जा रही है, उनके अंदर उन्हें क्या क्या हो रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। और जो है और एक साइड से क्या है कि भगवान क्या है कि उनके अंदर जा रहे हैं, और भगवान क्या है, परमात्मा रूप में उनके अंदर भी अवस्थित है। इसके उदाहरण स्वरूप आता है कि जब एक बार ब्रज की लीला में जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार क्या खाया, मिट्टी खाई, तो तब सखाओ ने बोला कि आज कृष्ण ने क्या किया, आज कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो माता यशोदा उनके पास आई, बोली तूने मिट्टी खाई, बोला नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो बोला मुंह खोलो, मुंह खोला तो दिखाया, तो उन्होंने क्या किया, योग माया ने क्या किया, उनके मुंह में विष, जो पूरा विष ब्रह्मांड है उनके मुंह में दिखा दिया। तो जो माता यशोदा है वो क्या देख रही है कि उनके मुंह में क्या है, विष ब्रह्मांड है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी इसके अंदर देखा। तो इससे पता चलता है कि क्या है, भगवान बाहर भी अवस्थित है और क्या है, हृदय में भी क्या है, हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, और क्या कर रहे हैं, बाहर भी अपने एक नित्य स्वरूप से अपने नित्य धाम में क्या है, लीला कर रहे हैं। और एक इसी में एक उदाहरण आता है, जब रमन रेती में दुर्वासा ऋषि आए, तो उन्होंने जब एक बालक को सखाओ के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो
तो उनको उनकी तरफ मना कर दिया हुआ, तो उनके पास गए तो कृष्ण ने क्या किया, उनकी आकर गोद में बैठ गए। तो जैसे ही गोद में बैठे तो क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि उनके अंदर क्या हो गए, प्रवेश कर गए। तो जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि भगवान क्या है, भगवान के अंदर विश्व ब्रह्मांड देखे, और जो लीला भगवान बाहर कर रहे थे, जैसे ही सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी ही अद्भुत लीला वो क्या हो रही थी, उनके अंदर भी चल रही थी। इसी प्रकार जो भगवान है वो कारणोदकशाही के रूप में क्या है कि सभी के सभी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के क्या है, मालिक के रूप में भी है। फिर एक एक जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, फिर उन एक एक ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, वे शयन कर रहे हैं, उस रूप में क्या है, वे गर्भोदकशाही। फिर एक एक क्या है, एक एक जो प्रत्येक जीव है, फिर जीव के हृदय में क्या है, परमात्मा यानी चिरोदकशाही के रूप में है। और एक क्या है, और वे एक अपने एक नित्य स्वरूप गोलोक धाम में क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसी को ही कहते हैं अचिंता वेदावेद की, भगवान क्या है कि एक रूप में इतने एक रूप में अपने गोलोक नित्य धाम में लीला कर रहे हैं, और एक एक जो है एक स्वरूप से क्या कर रहे हैं, प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप में बैठे हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर गुरु से कृपा से मिले, हो जाए पति जन का मिले। आज खत्म हो जाएगा, आज बोल दो कल, जैसे ये लोग आज बोल रहे हैं ना, आज कल भी तीन चार व्यक्ति कल बोल, जीवन में एक बार इसको पढ़ लो ना, दिमाग में बैठ जाए तो बहुत बड़ी चीज पता ना, इसमें पूरी भागवत है, जैसे पूरा चार ब्रह्मा जी को भगवान चार बन गया, ये चार श्लोक का जो विस्तृत है पूरा भागवत है, अब चार श्लोक का अगर पूरी भागवत चार श्लोक नहीं है, इसको विस्तृत रूप में ही भागवत है। इसलिए इसमें बड़े फिलोसफी बच्चे लोगों ने जो खुशी किया उसको बताने के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बड़े बड़े व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कल भी हम लोग चार श्लोक, पहला श्लोक तुम बोल रहे हैं और तुम दूसरा श्लोक बोलना और निताई ओम अज्ञानिते मीरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणेशयुक्तं वरं वरेण्यां पुरुषां महंतं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। श्रीकृष्णचैतन्यकृपाये कवितः या मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलम माधव प्रेष्टकामी श्रीभक्तिदं भारते माश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसाति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोदर्शत शिष्यमुचल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोदर्शत शिष्यमुचल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अपन प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। एवं उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्रीपाद परमेश्वर भवि एवं उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अपन। तो पहले तो भागवतम विस्तार रूप से चल रही थी, अभी संक्षिप्त रूप में आ गई है। तो पूर्व वक्ताओं ने तीन श्लोक बोल दिए, जो चतुर्थ श्लोक है वो मेरे लिए छोड़ दिया। तो गुरु महाराज जी प्रस्तावना में बता रहे हैं कि ये जो चार श्लोक है ना, इसमें जो पहले दो श्लोक हैं वो संबंध मूलक हैं, और जो तृतीय श्लोक है वो अभिधेय मूलक, एवं जो चतुर्थ श्लोक है जो मेरे को मिला है वो प्रयोजन मूलक है। जी महाराज जी,
तो जो चतुर्थ श्लोक है वो प्रयोजन मूलक है, और गुरु महाराज ग्रंथ की प्रस्तावना में ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो ये जो चतुर्श्लोकी भागवतम है ये मूल भागवतम का ही क्या है, मूल सूत्रावली है। जो भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं जो इतने विस्तार रूप में वर्णन हुई, वो इसी चतुर्श्लोकी भागवतम का ही एक प्रकाश है। और गुरु जी बता रहे हैं कि चतुर श्लोकी जो भागवतम है वो वेदों का भी सार स्वरूप है। इस जो ऋग्वेद का संक्षेप रूप का जो प्रथम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भागवतम का जो संक्षेप जो सार रूप है वो चतुर्श्लोकी है, ऐसे ही जो ऋग्वेद है उसका जो सार स्वरूप है उसका जो पहला श्लोक है वो किसके लिए है, वो स्वरूप प्राणा जो प्रथम मंत्र है वो क्या है, वो जो पहला श्लोक है अहम एवा समेवाग्रे, ये पहला श्लोक ही क्या है, ऋग्वेद का जो संक्षेप स्वरूप है उसका है। दूसरा यजुर्वेद का जो दूसरा श्लोक चतुर्श्लोक की भागवतम का है, ये यजुर्वेद का जो सार स्वरूप है उसका पहला श्लोक है। और अर्थवेद का जो प्रथम सार स्वरूप है वो चतुर्भागवत चतुर्श्लोक भागवतम का तीसरा है। और जो सामवेद है उसका जो संक्षेप स्वरूप का जो प्रथम मंत्र है जो श्लोक है वो क्या है, ये चतुर्थ श्लोक है। एतावदेव जिज्ञासा वाला। तो जैसे हरीश प्रभु ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में ही जब ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ कृष्णा करनी है, तो उस आदेश को प्राप्त करके भगवान ने विचार किया कहीं अपने आप को ब्रह्मा जी स्वतंत्र ना समझने लग जाएं कि मैं स्वतंत्र सृष्टि का करता हूँ और सृष्टि कैसे करनी है। इस विषय में जब ब्रह्मा जी को कोई भी ज्ञान नहीं था तो भगवान ने क्या करा, उनको चार श्लोकों के रूप में उनको समस्त ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने इसमें सारे ज्ञानों को ही क्या कर दिया, मिश्रण कर दिया, एकदम सार स्वरूप ही केवल चार श्लोक में ही उनको वर्णन किया। तो जो चौथा श्लोक है वो है एतावदेव जिज्ञासम तत्विजिज्ञासुनो आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुन आत्मना, जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु की जिज्ञासा करता है, वास्तविक जो तत्व है उसको यदि जानने की जिज्ञासा करता है, किस रूप में, अन्वय और व्यतिरेक रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि जो शास्त्र हैं वो अन्वय और व्यतिरेक दोनों भाषाओं में क्या वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और वो शास्त्र क्या है, जो सर्वत्र सर्वदा नित्य है। जो इस वस्तु को जानने की जिज्ञासा करता है वही क्या है, वही सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है उसको जानना चाहिए। अर्थात तत्व जिज्ञासु व्यक्ति वो किस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, जो सर्वत्र सर्वदा और नित्य है। जैसे श्रीमद् भागवतम की प्रारंभ में ही महाराज जी ने बताया कि जब परीक्षित महाराज जी को श्राप मिला तो उन्होंने जब किसी नित्य वस्तु के विषय में जानना चाहा, नित्य वस्तु अर्थात अपने आत्मकल्याण के विषय में जानना चाहा, तो पहले बहुत सारे लोगों ने उनको कर्म ज्ञान योग अलग अलग पद्धति बताई, लेकिन जिस समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आगमन हुआ तो उन्होंने उन्हें वास्तविक कल्याण के रूप में बताया, जो उनका वास्तविक रूप में आत्मकल्याण का विषय था। ऐसे ही जब सौनक आदि ऋषियों ने सुध गोस्वामी से भी यही प्रश्न किया कि मेरा आत्मकल्याण किस में है, इस विषय में बताइए, तो विधि व निषेध द्वारा अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में क्या करते हैं, वेदों में इन विषयों को शास्त्रों में इस विषय को बताया गया है और हमें उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, अज्ञाय व गुणान दोषो मया दृष्टानापि स्वकान धर्मान संतज्य या सर्वना माम भजेत स सत्तमा। अर्थात भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने जो शास्त्रों में उपदेश दिए हैं उनके गुण व दोषों का विचार कर, विधि अथवा निदेशों का विचार करके क्या करना चाहिए, जो निषेध है उनका परित्याग करके, जो विधि है उसका पालन के क्या करना चाहिए, मेरा भजन करना चाहिए और वही उत्तम भजन है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान ने सारे वचन कहे हैं तो क्या उनमें भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमको क्या लेना चाहिए उसमें से, क्या नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, उसमें भी विचार करने की, जो भगवान ने वचन कहे हैं उसमें भी विचार करने की आवश्यकता है।
अर्थात भगवान ने बोला कि उसमें जो दोष है उनका विचार करो, किस अनुसार, अधिकार अनुसार क्या करना होगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने तो कर्म, ज्ञान, योग, वेदों में भक्ति सभी के विषय में बोला है। तो जो साधक जो अपना वास्तविक कल्याण चाहता है, जो सर्वत्र सर्वदा नित्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको तो विचार करना ही पड़ेगा। अर्थात जो वस्तु सर्वत्र व सर्वदा नित्य है, उसकी जिज्ञासा करना, अनित्य वस्तु, कर्म, ज्ञान, योग आदि को जानकर इनका त्याग करना ही क्या है, ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। अर्थात जब वेदों को जानेंगे तो उसमें शास्त्रों में बताया गया है कि जो नित्य वस्तु क्या है, कर्म, ज्ञान, योग क्या है, ये नित्य वस्तु नहीं है। क्योंकि जब हम कर्म का पालन करते हैं तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ पर हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमको वापस इस धरातल पर आना होता है। ज्ञान योग भी हमको नित्य वस्तु प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र में बताया कि भक्ति वस भक्ति रेवेन नयति, भक्ति रेवेन रेवेनम दर्शति, भक्ति वसा पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। जो उस नित्य वस्तु को अर्थात भगवान को जानना चाहता है, वो क्या करेंगे, वो भक्ति का याजन करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति ही क्या करती है, भगवान को भक्त के निकट लाती है, और भक्ति ही भगवत दर्शन कराती है, और भक्ति ही भक्ति के, और जो भगवान है वो भी किसके अधीन होते हैं, वो भक्ति के ही अधीन होते हैं। और भक्ति ही क्या है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान और योग के अगर तुलना करें तो भक्ति क्या है, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की जो साधन व इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो व्यक्ति इन चार साधनों को करके जिस धन संपत्ति को प्राप्त करता है, वो भक्ति बिना परिश्रम करे इनको क्या कर लेता है, बड़े ही सहज रूप में, केवल भक्ति के द्वारा जरा सी ही क्रिया करने पर क्या कर लेता है, इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये आपका वास्तविक रूप में मंगल प्रदान नहीं करते, लेकिन जो भक्ति है वो क्या करती है, वो वास्तविक रूप में मंगल प्रदान करती है। और भक्ति क्या है, भक्ति सभी अवस्थाओं में की जाने वाली वस्तु है। जैसे इसी श्लोक, ये जो एतावदेव जिज्ञासा के श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने जो टीका लिखी है, उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति गर्भ में भी की जा सकती है। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने भक्ति का आयोजन कहाँ किया, गर्भ में ही उन्होंने भगवतम को श्रवण किया। दूसरा, बाल्यकाल में भी ध्रुव महाराज ने बाल्यकाल में ही भक्ति का आयोजन किया, और यौवन अवस्था में अम्बरीश महाराज जी ने, वार्धक्य में ययाति ने, तथा मृत्यु काल के समय जो अजामिल हुए उन्होंने क्या करा, भक्ति के अधिकारी देखे जाते हैं, उन्होंने भी भक्ति का याजन किया। और केवल इतना ही नहीं, श्री नरसिंह पुराण में बताया जाता है कि जिस भाव से जो व्यक्ति नरक जा चुके हैं, अगर वो जिन जिन भावों से क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति का याजन करते हैं, तो उन भावों के अनुरूप भक्ति को वो अपने सिर पर कहाँ करते हैं, स्वर्ग की ओर गमन करते हैं। जो लोग नरक जा चुके हैं उन लोगों का भी कल्याण कहाँ से हो जाता है, नरक से उन लोगों का भी कल्याण हो जाता है, केवल किसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। तो बताया कि जो तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको भक्ति के लिए ही आजन करना चाहिए, भक्ति अर्थात भगवत प्रेम के लिए ही क्या करनी चाहिए, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए। किस रूप में, अन्वय या व्यतिक रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। जैसे अन्वय, किसी को डायरेक्ट बोल देना, जैसे सीधा सीधा बोल दिया कि भक्ति का याजन करो, क्योंकि बताया था पीछे क्या है, भक्ति वशो पुरुषा भक्ति रेव भूयसी, कि भगवान भक्ति के ही वश है और भक्ति क्या है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और व्यतिरेक रूप में क्या है, कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इनका त्याग करना है, क्योंकि ये आपका नित्य कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो भगवान फिर क्या बोलते हैं, भगवान खुद भागवतम में बोल रहे हैं कि ना साध्यति माम योगो, ना सांख्य धर्म उद्दवा, ना स्वाधस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोजिता, कि हे उद्धव, ना साध्यति माम योगो, ये जो योग हैं, कर्म हैं आदि, जो तप आदि हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल भक्ति के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान, और किस वस्तु को प्राप्त करना है, जो स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और जैसे प्रथम श्लोक में बताया कि भगवान ही कौन है,
स्यात् सर्वत्र और सर्वदा, जैसे अहम एवा समेव आग्रह कि मैं ही था पहले, मैं ही सृष्टि में हूँ, और सृष्टि के पश्चात भी यदि कोई रहता है तो वो कौन है, वो मैं हूँ। तो ये श्लोक जो है, जो चौथा श्लोक है, ये क्या है, ये प्रयोजन स्वरूप है। भक्ति की याचना करना वह भगवत प्रेम का ही प्रयोजन है। वह भक्ति ही सर्वत्र सर्वदा के लिए नित्य है, ना कि कर्म ज्ञान और योग है। तो ये श्लोक जो है केवल भक्ति को ही दर्शाता है कि जो तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है उसको अपने आत्म कल्याण के लिए जो नित्य वस्तु है उसका याचन करना चाहिए, और नित्य वस्तु क्या है, वो भक्ति ही है, और भक्ति ही क्या है, भक्ति ही प्रयोजन मूलक है। बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भय वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अरे धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया तभी इतना बोल भाई। और ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग जो चतुश्लोकी कथा सुने हैं, कहते ये ब्रह्मा जी को भगवान ये चतुश्लोकी रूप में ये संपूर्ण ये भागवत ग्रंथ को उन्होंने प्रदान की थी। कहते यहीं पर कहते जो द्वितीय स्कंध यहीं पर विश्राम होता है, इसको बाद में जो शुरुआत होता है तृतीय स्कंध शुरुआत होती है। बोले एवं एतत् पुरा पृष्ठा मैत्रेयो भगवान किल जत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह संब्रीधिवत। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कद एवं एतत् पुरा पृष्ठ मैत्रेय भगवान की ल, इसलिए यहाँ पर भगवान जो कृष्ण हैं कद ये शांति दूत रूप में कहाँ पर जाते हैं, श्री दुर्योधन के पास में। जब ये महाभारत युद्ध होने जा रहा था, कृष्ण ने बोले एक चांस दिया जाए, इसलिए मैं लास्ट में शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में जाता हूँ। और दुर्योधन को पास में जा करके बोले देखो पांडवों को ज़्यादा चीज की ज़रूरत नहीं, केवल उनको 5 गांव दे दो, इससे ये खुश हो जाएंगे और पूरा राज्य को तुम पूरा के पूरा राज्य को भोग करो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले, बोले क्या 5 गांव भाग रहे हो, हम तो बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन देने तैयार नहीं हो, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो। इतने में कृष्ण ने कहा तेरे को पता है युद्ध क्या होता है, युद्ध में क्या होता है तेरे को पता है, बोले सब पता है, ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं, जनामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, में सब धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्ति है ही नहीं, जनामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, में अधर्म जानता हूँ लेकिन उसमें चित्त उससे निवृत्त नहीं होता है, उसमें ही प्रवृत्त है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र ने इसने क्या किया, हर समय उसने हैं हर समय उसने दुर्योधन का साथ दिया है, अंधा है ना, हैं अंधा है, ऊपर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा है, इसलिए दोनों से वो अंधा ही, इसलिए उसका नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब क्या, जो राष्ट्रों को पकड़ करके बैठा हुआ,
जो कुछ हो जाए, अब महाभारत देखे हो, बारंबार अपना मुकुट को देखता है, मेरे सर पर मुकुट है कि नहीं, उधर तो नहीं गया है, जो संपूर्ण राष्ट्र को पकड़ करके रखा, किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसका नाम धृतराष्ट्र है। इसलिए हर समय उसने बास पता है मेरा बेटा सारे अधर्म काम कर रहा है, सारे अधर्म काम, हर समय उसका अधर्म का साथ भी दिया है, हैं? जतुगृह में आग लगाना, जो कपट जुआ खेल में द्रौपदी के वस्त्र हरणाना, सारे में उसने, सब में उसने अपना मत दिया है। इतने में वहां पर जो विदुर थे, वो कौन है विदुर जी? ये धर्मराज विदुर जी, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये धर्मराज विदुर, धर्मराज है, ये विदुर रूप में आए। कह दिए धर्मराज विदुर रूप में क्यों आए हैं? कारण क्या है ये विदुर रूप में हैं? हाँ, इसलिए कहते एक समय कुछ चोर ने चोरी किया राज दरबार में, जब पहरेदार जाग गए और उसको पीछे भागा, पीछे भागते ही चोर ने क्या किया, भागते भागते गए और मांडव ऋषि को पीछे, जो पोटला था सोने चांदी चोरी कर रखे थे उसको पीछे रख कर चले गए, भाग गए। जब भाग गए इतने में गए सब दूत भागते भागते गए, देखते देखते देखा ये मांडव ऋषि को पीछे मिला, बोले ये बाबा चोरी करके ले आए और आंख बंद कर बैठ गया, तू मिला उसको पीछे संपत्ति और उसको पकड़ करके ले आए। बोले महाराज ये साधु रूप में ये चोर है, हैं? सारे संपत्ति को पीछे रख करके आंख बंद करके बैठा हुआ, तो ये चोर है। बोले काम करो इसको किसमें बैठा दो, सुली में बैठा दो, जानते हो सुली क्या होता है, हाँ? वैसे ऐसे मोटे करके इस जाता है, करते 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 एकदम ऊपर में सुई के नोक के बराबर होता है और उसको ऊपर इसको लेकर बैठा देते हैं। जब बैठा जाएगा ना पीछे से पूरा सर को, सर में जाकर फाड़ करके निकल जाएगा, बड़ा कष्ट है। लेकिन इसने तो सचमुच से भजन करने वाले, जब वो सुली के ऊपर बैठा दिया ना, ए, भजन का प्रताप से जहां के तहां बैठे हुए, एकदम उसको नौकरी ऊपर बैठे, नीचे नहीं आ रहे। बोले महाराज वो नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर तो बैठा हुआ। राजा समझ गए ये चोर नहीं सचमुच से साधु, बोले जल्दी जल्दी उतार उसको। जल्दी जल्दी उतारे, जब जल्दी जल्दी उतारे उन्होंने राजा को कुछ बोले नहीं, सीधा यम महाराज के पास में गए, क्योंकि जो कुछ होता है हिसाब किताब करने कौन करने वाले, चित्रगुप्त करने वाले, जब महाराज सारे हैं फैसला जब महाराज देते हैं। बोले ये जब महाराज ने ही आदेश दिया तभी तो ऐसे हुआ, नहीं तो कैसे कैसे हो सकता है। सीधा यम महाराज के पास में गए, बोले महाराज जी ये बताओ मेरे को ये दंड क्यों भोगना पड़ा। बोले चित्रगुप्त, बोले कापी खोलो इसने क्या किया है। बोले ये जब छोटा बच्चा था बचपन में होता ना फड़िंग होता ना, छोटा छोटा फड़िंग देखना बच्चे लोग, तितली छोटे छोटे, हाँ फड़िंग जो उड़ता है, इसलिए उसने पकड़ करके उसको पीछे के कांटा को घुसाया और घुसा करके उसको पीछे से निकाल दिया, हाँ? बचपन में खेलते खेलते। बोले बचपन में देखना बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, बोले बचपन में इतनी सी काम हमने की हैं और उसके लिए इतना दंड हमें भोगना। बोले यहां बैठ बैठ करके दंड जानना देना जानते हो, मरते जगत में कभी गए हो देखे हो लोग करते हैं क्या नहीं करते, क्या 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 स्थिति है, कभी जा करके देखे हो, देखा तो है नहीं, यहीं पर बैठ करके आदेश देते रहते, तेरे को मैं अभिशाप देता हूं, तुम ये मरते जगत में जाकर के 100 साल तक तेरे को ये मरते जगत में जाना पड़ेगा, अभिशाप दे दिया मंडल ऋषि ने। इसलिए ये विदुर को, इसलिए इसको बाद में बताया 14 साल तक अगर कोई अनजान में कोई पाप करता है उसके लिए माफ है, लेकिन उसको बाद में अगर कोई जानबूझ कर पाप करता है उसको दंड भोगना पड़ेगा, हैं? और जो देखो साधारण एक एक कांटा को घुसा कर निकाल दिया तो इतना, और जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, फिर समझो क्या दंड नहीं मिलेगा। इसलिए उसको वर्णना किया गया नरक में, जो मछली खाते हैं, जो बकरी खाते हैं, उसको भी वहां जिंदा जिंदा कर्त में उसको जिंदा जिंदा काटते हैं, जो मछली को तेल में छोंक करके खाते हैं वहां पर भी एकदम पूरा कढ़ाई में गर्म तेल कढ़ाई में उसको जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, पकौड़ा जैसे फ्राई कर देते हैं, हाँ? इसलिए सब वर्णना किया गया है, जो उल्टा पुल्टा चीज काम करते उसको कैसे कैसे दंड भोगना। इसलिए हम लोगों को इस पाप कर्म से दूर रहनी चाहिए। इसलिए जो स्मार्टफोन है ना, इसमें भी उल्टा पुल्टा चीज को नहीं देखनी,
चाहिए। फिर तो कहते जो गंदी गंदी चीज देखते हैं उनको आंख भी निकाल देते हैं वहां पर हैं। इसलिए साधु साधु सावधान ही, इसलिए उनको 100 साल के लिए विदुर धर्मराज को विदुर रूप में 100 साल के लिए इसी मरते जगत में उनका आना पड़ा है। इसलिए ये धर्म स्वरूप से विदुर जी ये धर्मराज है ना, इसलिए कहते हैं एक कहते विदुर नीति। नीति तो बहुत तरह का नीति है, कूटनीति, चाणक्य नीति और तरह तरह का नीति है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सा नीति है? कहते ये विदुर नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है, क्योंकि ये जो विदुर जी हैं ये शूद्र कुल में तो जन्म ग्रहण किए, करने पर भी इन्होंने कभी भी अधर्म का उन्होंने मार्ग नहीं चुना। हर समय उन्होंने पंच पांडवों का धर्म का उन्होंने साथ दिया, इसलिए लास्ट में उन्होंने कभी भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, अधर्म का साथ नहीं दिया। लास्ट में इतने में विदुर एकदम सीधा बोल दिया, क्या बोल दिया? बोले धृतराष्ट्र जी, अगर आप ये राज्य को बचाना चाहते हो ये दुर्योधन को तुम त्याग दो, नहीं तो तुम्हारी संसार सर्वनाश हो जाएगा, डूब जाएगी संसार, ये बेटे को तुम त्याग दो। और किसको सामने? दुर्योधन को सामने, शकुनी और कर्ण को सामने कह रही दुर्योधन को त्याग दो। हाँ, दुर्योधन सहन कर सकता है? बस दुर्योधन तो एकदम पूरा जल क्या बोल जल भुन गया पूरा के पूरा। बोले क्या, जिसकी पात्र में खाते हो उसमें ही छेद करना जानते हो, रहते हो हमारी घर में, खाते हो हमारी, और कह रहे दुर्योधन को त्याग दो। अगर आप हमारी चाचा सकते ना, अगर चाचा नहीं होते ना, यहीं पर गला से धड़ को उतार देता, निकल जाओ यहां से, जरूरत नहीं है हमारे घर में रहने का। ऐसे बुरी तरह से उनको गाली गलौज किया ना, उन्होंने सारी राज पोशाक उतार करके सब कुछ दे करके उन्होंने वाह चले गए, वहां चले गए। जब चले गए इतने में कृष्ण आए थे, शांति दूत रूप में आए थे, लेकिन इतने में दुर्योधन ने सोच रहे थे ये कृष्ण ग्वाला गैया को पीछे पीछे डोलता था, इसलिए अगर उसको बढ़िया बढ़िया कुछ खाना पाना खिला दे ना, बस किस तरह से हाथ का मुट्ठी बना दे, उसको हाथ की मुट्ठी में लाया। इसलिए जब बोल रहे थे उनको 5 गांव दो, इतने में दुर्योधन ने कहा देखो कृष्ण अब बहुत दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो, उसको बाद में फिर बैठ करके बात करेंगे। कृष्ण कहा देखो भोजन 3 स्थान पर भोजन करते हैं। कहा कहा पर? पहला स्थान है अगर कोई मित्र हो, मित्र को घर में भोजन कर लेते हैं। दुर्योधन ने कहा किया मैं आपका मित्र नहीं शत्रु। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले पंच पांडव मेरे मित्र है, उनका जो मित्र वही मेरे मित्र है, और उनका जो शत्रु वही मेरे शत्रु है। और दूसरा कारण बताए, अगर किसको भूख लगे भोजन कर लेते हैं, लेकिन मैं स्वयं आप्ताराम और आप्तकाम हूँ, मेरा तो भूख प्यास कुछ है ही नहीं, इसलिए फिर भोजन कैसे करो। और तीसरा स्थान पर खाते हैं जिस काम के लिए आप आए हो, अगर वो काम अगर बन जाए ना, क्या सोचते हैं जिस काम के लिए आए, काम बन गया भैया भोजन कर लो, तभी भोजन कर लेते, लेकिन हमारा काम नहीं बना इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। बोले कहाँ खाओ? बोले कहीं खा लूँगा, देख लूँगा। बोले तुम पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हारे लिए मैं विदेश से मिस्त्री बना करके और इतना छापान भोग 36 व्यंजन बनाया, पहले बोल देते भोजन नहीं करेगा, और मैं बनाया सब कुछ रखा, बोले भोजन नहीं करोगे? बोले बंदी बना देंगे। ऐ उसको बंदी बनाओ, क्या सोचता है? बोले मेरे को बंदी बना। बोला और क्या? इतने में भगवान ने क्या किया? हे विराट रूप दिखाया, हाँ इतना ज्योति भगवान का स्वरूप से निकल रहा था, उनको कोई देख नहीं पा रहे थे। इतने में हमारे श्री पितामह भीष्म बोले, बोले धृतराष्ट्र तुम ये दुष्ट को बेटे को बोलो ये क्या कर रहा है, किसको साथ में क्या कर रहा है, इसको तो देखो, हाँ इसको मना करो इसको। इतने में कृष्ण कहाँ गए? विदुर जी के घर में गए। विदुर जी के घर में जब गए, घर में विदुर जी नहीं थे, घर में विदुरानी थी, और विदुरानी जब देखा कृष्ण मेरे घर में आए, कहाँ परात पर विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, एक साधारण किसी दुखी के घर में अगर चले जाए साधारण व्यक्ति घर में, तब तो कितना खुश होगा, मेरे घर में भगवान है, कहाँ बैठा गया, कैसे बैठा गया, क्या करेगा, सोच नहीं पा रहे, किसी तरह से बैठा है। बोले ठाकुर को कुछ खिलाना चाहिए। बोले क्या खिलाए? बोले वहां पर केले था, केले को लाए, लेकिन क्या खिला रही थी, इतने प्रेम से विभोर हो गई, केले का छिलका खिला रही थी और केले फेंक रही थी, छिलका खिला रही थी। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आ गए तो बोले पागली क्या कर रहे हो,
भगवान आए केले का छिलका खिला रहे हो, हाँ इतने में होश आया, बोले मैं क्या कर रहे हो, केले का छिलका खिला रहे हैं, इतने में होश आया तो उन्होंने फिर केला खिलाना शुरू की। इतने में कृष्ण कहते विदुर जी केले का छिलके में जो स्वाद आ रहा था ना, अब ये केले में ये स्वाद नहीं आता है, हैं, इसलिए मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका नहीं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, मैं केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ, भाव के भूखे है प्रभु, भाव ही सार है, और भाव से भजन करते भाव से बेड़ा पार है, इसलिए भगवान केवल प्रेम का ही भगवान भूखे हैं, प्रेम का ही भूखे हैं। इसलिए अभी विदुर जी उसको बाद में विदुर जी क्या किया, उन्होंने देखा यहाँ पर रहने पर अभी तो युद्ध होने वाले, कोशिश किया तो किसी तरह से लेकिन हुई काम हुई नहीं, युद्ध होगा तो बेकार साधुओं को युद्ध से क्या मतलब है, हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ करके चले गए। लेकिन चलते चलते जब श्री वृंदावन में आए विदुर जी, वृंदावन में श्री उद्धव जी को साथ में विदुर जी की साक्षात्कार हुई। साक्षात्कार होने पर इतने में विदुर और उद्धव जी के अंदर में बात हुई है, हैं, उद्धव जी के अंदर में बात हुई। फिर श्री उद्धव जी जब भगवान अंतिम समय में जब भगवान ये धराधाम छोड़ करके चले गए थे, उसी समय में दो व्यक्ति वहां पर थे, कौन कौन थे, कहते एक विदुर जी थे, एक उद्धव जी थे और एक मैत्रेय जी थे, हैं, उद्धव जी और एक मैत्रेय थे। इसलिए भगवान कृष्ण ये दोनों को सारे दिव्य ज्ञान को इनको दे कर गए थे, और दे कर गए और बोल दिए मैत्रेय तुम दोनों को तो ये दिव्य ज्ञान में प्रदान कर रहा हूं, मेरा और भी एक भक्त है, वो भक्तों को भी तुम ये ज्ञान तुम ये भक्तों को देना, वो कौन है, कहते श्री विदुर जी है, उनको भी ये ज्ञान प्रदान करना। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जब ये उद्धव और श्री विदुर जी से साक्षात्कार हुए, उसी समय में यहाँ पर श्री कौन उद्धव जी कृष्ण की महिमा को गान कर रहे हैं, बोले क्या क्या, कहते यहाँ पर उद्धव जी का भी चरित्र, कहते उद्धव जी कैसे है, हैं, कहते वृषिणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सख्या शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धिशतम, इसलिए इनका नाम ही उद्धव है। उद्धव मतलब क्या, उद्गत तम, जिससे संपूर्ण तम गुण जिससे निकल गया, जो विशुद्ध सत्व जो संपूर्ण निर्मल श्री उद्धव, ये कैसे है, पर वृषिणाम प्रवर मंत्री, ये वृष्णवस्त का ये श्रेष्ठ मंत्री है, कृष्ण को भी अगर कुछ करना तो इनसे ये परामर्श लेते थे, कृष्ण स दैत अत्यंत प्रिय ये सखा भी है, और गुरु बृहस्पति साक्षात, ये उद्धव इतने बुद्धिमान थे, इसी मरते जगत में उनको पढ़ने के लिए कोई टीचर ही नहीं मिला, टीचर से कोई प्रश्न करते ना टीचर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कहां पर गए, बोले उन्होंने बृहस्पति को पास में गए, इसलिए शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, एकदम बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि श्री उद्धव जी। कहते बचपन में ये उद्धव जी कृष्ण जैसे कृष्ण जब वो खेलते थे कृष्ण का मूर्ति को लेकर खेलते थे साथ में, जब सोते थे कृष्ण को गोद में लेकर सोते थे, और जब खेलते समय कृष्ण का जो मूर्ति को साथ में इतने अभिष्ट तक वो साथ में खेलते थे, मैया अगर वो बुलाती थी बेटा भोजन करके जा, वो भोजन करने के लिए नहीं आते थे, मतलब इतने कृष्ण की प्रिय उद्धव जी, इतने प्रिय श्री उद्धव जी थे। इसलिए कृष्ण चिंता में एकदम विभोर समाधिस्थ हो जाते थे श्री उद्धव जी। तब यहाँ पर उद्धव जी कहते तीन श्लोक दो तीन श्लोकों को द्वारा कृष्ण की महिमा को गा रहे हैं। पहला श्लोक है बोले जन्मर्त लीलो पैकम सोजोग माया बलम दर्शयताम गृहीतम विस्पापनम स्वच्छ सौभग गर्दे परम पदम भूषणांग भूषणांग में। इसलिए कहते भगवान हैं कहते जन्मर्त लीलो पैकम सोजोग मायाम बलम गृहीतम, इसलिए यहाँ पर कहते भगवान अपना जोग माया को आश्रय ग्रहण करते हुए उन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें लीला की, इसलिए कहते कृष्ण जतग लीला सर्वोत्तम नर लीला, कृष्ण यद्यपि उन्होंने बहुत बहुत लीला की है लेकिन उन्होंने
ये नरलीला लेकर के मतलब है नव किशोर नटवर वेणु किशोर क्या वेणुकर। इसलिए कृष्ण की जितना लीला में सर्वश्रेष्ठ लीला कौन लीला है, कृष्ण जब वृंदावन में रहे। यद्यपि उनकी लीला कहाँ पर, द्वारका में भी लीला है, मथुरा में भी लीला है, कहते लेकिन सबसे मधुर लीला कहाँ पर है, कहते वृंदावन में रह करके साधारण बालक चित्त जैसे कृष्ण सखा की सखा बन जाते थे, उनको झूठन खाते थे, मैया कान बोल देती थी, राधा रानी के चरण में बंसुरी रख देते थे ठाकुर जी उनकी प्रेम की। कहते भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ लीला है उनकी ब्रज लीला, इनकी सर्वश्रेष्ठ लीला। इसलिए उन्होंने अपना जोग माया को आश्रय करते हुए, इसलिए कहते हैं ना अजो अपिशन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। भगवान अपना जोग माया को आश्रय करते हुए उन्होंने जो सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला की, कहती ये लीला अद्भुत लीला है। इसलिए कल सुनेंगे वो दो तीन श्लोक से को द्वारा कृष्ण की ब्रज लीलाओं को कृष्णा कैसे वर्णना करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।